देख रहे हैं सास किचन यूट्यूब चैनल। आज मेरे किचन में बन रही है बड़ी ही लजीज चिकन कढ़ाई, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पे जाने से पहले मैं आपको आज की अच्छी बात बताती चलती हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स जब सुबह करे या शाम करे तो 100 बार सुभानअल्लाह व बिहम्दी कहे तो क़यामत के रोज़ कोई शख्स उससे बेहतर अमल लेकर नहीं आएगा सिवाय उसके जो इतनी बार ये कलिमात कहे या इससे ज़्यादा बार। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैंने चिकन लिया है 1.5 kg। मैंने 8 टोमेटो लिया है जिन्हें 2-2 स्लाइसेस में कट कर लिया है। मैंने 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया है। मैंने बटर लिया है 50 ग्राम। मैंने 4 ग्रीन चिलीज ली है और उन्हें चॉप कर लिया है। मैंने धनिया लिया है। मैंने 1 टेबल स्पून धदरी मिर्च ली है। 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है। 1 टेबल स्पून नमक लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने भुना कुटा जीरा लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया है भुना कुटा और मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च ली है। चलिए अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। मैंने कढ़ाई ले लिया, उसमें ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल रही हूँ। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। हमने इसे फ्राई कर लिया, अब हम इसमें चिकन ऐड कर लेते हैं। हमने चिकन ऐड कर लिया, अब हम इसे पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। अब हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं, इसे मिक्स कर लेते हैं। आपने इसे फ्राई करना है जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अब मैं टमाटर ऐड करी हूँ, इसका ऊपर रख देने हैं। हमारे टमाटर ऐड हो गए हैं, हमने इन्हें उल्टा रखे हैं क्योंकि बाद में हमने इनके छिलके उतारने हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके पका लेते हैं। हमारे चिकन को 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन्हें उठा लेते हैं। ये देखें, अब हम टमाटर के छिलके उतार लेते हैं ऐसे। हमने इनका छिलका उतार लिया है, अब हम इन्हें मैश कर लेते हैं। हम इसे मैश कर रहे हैं। अब मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ भुना कुटा हुआ। अब मैं इसमें भुना कुटा सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें धदरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बटर डाल देते हैं। अब मैं इसमें हरी मिर्चें, अदरक, और हरा धनिया डाल रही हूँ। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार और जायकादार बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी आप तक पहुंच सके। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।